दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टारगेट सिविल सर्विसेज। ये हो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, आज मीटिंग हो रही है और मीटिंग में कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाना था UPPCS 2018 के नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक, और UPPCS मेंस 2017 में क्या किया जाए इसके बारे में। तो 2017 की जहाँ तक बात है मेंस की, उसके लिए जो विशेषज्ञ कमेटी जो है गठित की गई है और लीगल एडवाइज़र, वो 2-3 दिन में निर्णय लेंगे कि क्या किया जाएगा इस विषय में, ठीक है। उसमें अभी समय लगेगा 3-4 दिन का, और पुराने जो केसेस रहे हैं उनका अध्ययन करेगा जो आयोग का वकील है, उसके द्वारा अध्ययन होगा, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा इस विषय में। जो अगला जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है आज की, वो UPPCS 2018 से रिलेटेड है। दोस्तों यूपीएससी का जो पैटर्न पे एग्ज़ाम होने वाली बात थी यूपीपीसीएस 2018 की मेंस की, तो उसको आज अप्रूवल मिल गया है। तो बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, कमर कस लीजिए, कम से कम 900 पदों के लिए ये वैकेंसी आने वाली है। 900 पद आएंगे जिसमें, और खुशखबरी एक बात और है कि 100 पद लगभग इसमें SDM के हैं। जो प्रमुख प्रमुख पद हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैं, ठीक। तो बिल्कुल तैयारी अभी स्टार्ट कर दीजिए, जो लोग मेंस में नहीं सम्मिलित हो रहे हैं वो UPPCS 2018 के लिए लग जाएं। हमने पैटर्न बता रखा है एक वीडियो में इसके लिए, ठीक है दोस्तों। और एक दो कुछ लोग अफवाह जो फैला रहे हैं, कोर्ट का फर्जी आर्डर कहीं का अपने से टाइप करके हर जगह वायरल कर दे रहे हैं कि एग्ज़ाम दिसंबर 2017 में होगा UPPCS मेंस 2017 का, तो ये सब अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। कोई भी अथेंटिक न्यूज़ होगी तो मैं ज़रूर दूंगा दोस्तों, ठीक है। इतना विश्वास आप हम पर रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।